गाइस यहाँ पे हम कर रहे हैं फोटो शूट। हे गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग होने जा रहा है राजस्थान का व्लॉग, डे वन डे टू डे थ्री इस तरह के सीरीज में आपको ये व्लॉग दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स के साथ बहुत घूमते हैं, फैमिली के साथ घूमने का मौका बहुत कम मिलता है, तो लेट्स गो विद फैमिली। सो आज है 6 तारीख और मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ राजस्थान। हमने ट्रेन की टिकट्स ऑलरेडी 1 मंथ पहले ही बुक करवा ली थी, तब भी हमें वेटिंग पे थोड़ा रुकना पड़ा था, अदरवाइज़ ऐसे लंबे टूर्स के लिए हमें हमेशा पहले से ही बुकिंग करवानी पड़ती है, काफ़ी पहले से। अम्ब से हमारी ट्रेन है 2 बजे जयपुर के लिए। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, मेरा सारा टब्बर बैठ चुका है ट्रेन में। हेलो हेलो मौसा जी, कृतु हाय, हेलो वंशिका, हेलो मौसा जी, हेलो दीदी। दूसरी कोच में बैठे हमारे अन्य साथी, खाना खा रहे हैं। मच्छी आड़े बोले नहीं कल बिरयानी बनाई हुई है, देखिए चिकन बिरयानी साथ में राई के पकौड़ू, ये देखिए राई के पकौड़ू। सुबह 3 बजे से उठे हुए हैं राई के पकौड़े बनाने के लिए, और साथ में हम ले लाए हैं खट्टी मूलियां। सो गाइस अब हम सो जाएंगे और फिर सुबह 4 बजे हम जयपुर पहुंचेंगे, तब तक के लिए हम सब अपनी अपनी बर्थ पे बैठ चुके हैं और अब हम जाएंगे। सो गुड नाइट। द नेक्स्ट डे हम उतर चुके हैं जयपुर स्टेशन में। हेलो अभी हमने ब्रश नहीं किया। सुबह हो चुकी है मंदिर में दर्शन के साथ, अब हम हो चुके हैं तैयार, मेरे सारे साथी हो चुके हैं तैयार। हम लोग ने क्लॉक रूम में अपना सामान रख दिया और हम तैयार हो लिए, अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। और उसके बाद स्टेशन का पानी अच्छा नहीं है, हाँ रेलवे स्टेशन का पानी हमें नमकीन लग रहा है, तो उसके बाद हम जाएंगे जल महल। ये मेरे पीटी टीचर जल महल जाएंगे और हवा महल जाएंगे और फिर आपको बताऊंगी रास्ते में। कृतु क्या करता है यार तू? कृतु बहुत, ये हमारे साथ एक लड़का है कृतु नाम का, बहुत ही नॉटी बॉय है। गाइस वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट, यही रास्ते में मेट्रो स्टेशन भी है सामने ये, और मेट्रो स्टेशन के पास भी बहुत सारा मतलब ये खाने वगैरह के लिए है, तो लेट्स सी। सो अभी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग थी, लाइक 6:30 ही हुए थे, तो ज़्यादा कुछ खुला तो नहीं था, तो हमें यहाँ पे एक स्टॉल सा मिला जिसमें आलू के परांठे बन रहे थे, तो काफ़ी टेस्टी थे, बट मिर्ची की शुरुआत हो चुकी थी। गाइस ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा मिर्ची खाई जाती है। कर चुके हैं अब ये घर वाले कर रहे हैं, पैसों का लेन देन कर चुके, और अब हमने कैब भी बुक कर ली है जो हमें जल महल और हवा महल दिखा देगी। So let's go there. ये की हमने कैब, पापा कितने की हुई कैब? 200 रुपए पर कैन पर बंदा। पर बंदा है ना? और एक पिंक सिटी हो गया आपका, एक अल्बर्ट हॉल हो गया, ठीक है, और एक हवा महल हो गया। बेश कीमती खजानों की दुनिया खजाना महल, तो हम लोग यहाँ पे खजाना महल देखने आए हैं, तो इन्होंने बोला कि यहाँ की एंट्री फीस 350 रुपीज़ होती है इंडियंस की और फॉरनर्स की 1000। ये देखो गाइज यहाँ पे कैसे एंजॉय कर रहे हैं खजाना महल में। सो गाइज हम अंदर आ गए हैं खजाना महल के, 9:30 बजे खजाना महल की ओपनिंग होती है, तो हमने 10 मिनट बाहर फोटो खिंचवा ली। अब 9:30 बज चुके हैं और अब हम जाएंगे अंदर। ये देखिए ये मेरा छोटा भाई, इसको शौक चढ़ा है कि मैं घड़ा बनाऊंगा और लेके जाऊंगा इसको, तो ये तो शुरू हो गया। मेरा पूरा परिवार देख रहा है और छोटा भाई बना रहा है। सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शू कवर पहनने पड़ते हैं शीश महल में जाने के अंदर।
आप मेरा पूरा टब्बर। ये देखिए जी गाइस, गणपति बप्पा मोरया। यहाँ के हर म्यूजियम में ना ये एक सिनेमा में लेके जाते हैं थिएटर में और छोटू सी फिल्म दिखाते हैं। लेकिन इसमें खजाना महल में हम इन्होंने बताया कि ये जितने भी ये जेम्स हैं उनकी तलाश कैसे की गई थी, कहाँ से ये इस जेम्स को लेकर आए हैं और किस तरह से इनको बनाया जाता है। लावा बह करके इसे दरारों में जम जाता है और फिर काफी लंबे टाइम के बाद जब लावा ठंडा हो जाता है तो पत्थर बन जाता है। ये लावा ही है जो ठंडा होकर के स्टोन बन गया है। बीट्स, पर्ल्स, डायमंड्स एंड जितने भी रत्न थे हमने देख लिए और अब हम बढ़ रहे हैं शीश महल की तरफ। कैसा लग रहा है शीश महल? वाह, बहुत अच्छा ना? बहुत बढ़िया। तो ये है शीश महल। तो ये बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। आया? हाँ, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया और बहुत मजा आ रहा है देखने को। सो गाइज, शीश महल हमने देख लिया है और आप देख सकते हैं ये सच में बहुत सुंदर है। वर्थ इट है, ये वर्थ इट, बहुत सुंदर है। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर है। शीश महल के बाद ना हम और अंदर आ गए और आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर रिंग का डिजाइन है। 111 केजी मिक्स धातु की ये रिंग का डिजाइन है जो कि देखो आप कितना सुंदर लग रहा है। लोगों की मम्मियां अपने बच्चों को अपनी गोदी में बिठाती हैं और मैंने अपनी मम्मी को अपनी गोदी में बिठाया। देखो शीश महल से निकल के हम पहुंच चुके हैं जल महल। धूप बहुत तेज हो रही है यहाँ पे, बहुत तेज है धूप है ना। हाँ जी, जल में मेरी मम्मी यहाँ पे भी। तो 80 किलो ले लिए, 80 रुपए के किलो ले लिए हमने ये ग्वावास और इसको खाएंगे हम अपने घर के पीसे हुए नमक के साथ। 50 रुपए के हैं, सुंदर लग रहे हैं। लेने आपने बहुत दूर से अच्छा लग रहा है पर पास से तो आप देखो ऐसे ही है बोरिंग सा। अंदर अभी जाने नहीं देते हैं, अलाउड नहीं है, बोटिंग नहीं होती अब इसमें। ये हमें दिखाने लाया है यहाँ पे शॉपिंग पैराडाइज जो कि है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेट लिमिटेड जो कि है द स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट कारपेट साड़ी सूट शॉल्स ये सब हम देखे हैं यहाँ पे। लेना या नहीं लेना ये हमारी मर्जी बट दिखाते हैं ये लोग जरूर तो हम देख लेते हैं। सो गाइस, अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो उन्होंने हमें सिर्फ शॉल्स वगैरह दिखाई, कुर्तियाँ दिखाई और कैसे पुराने शॉल्स में काम होता था वो सब कुछ दिखाया हम। और बस अब हम आ गए हैं हवा महल। हम नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे और हमारी 2 बजे उदयपुर की ट्रेन है तो फिर हम उस अकॉर्डिंग मतलब नहीं जा पाते। अब कुछ खा पी लेते हैं और फिर चलते हैं 2 बजे की ट्रेन पकड़ने। सो गाइस, ये है जयपुर का मशहूर कचौड़ी रेस्टोरेंट तो हम यहाँ की कचौड़ी टेस्ट करेंगे। सो मुझे वैसे कचौड़ी इतनी खास पसंद है नहीं लेकिन अंकल बोल रहे थे कि ये यहाँ की प्याज की कचौड़ी मशहूर है तो कर लेते हैं टेस्ट।
टेस्टी है यहाँ की कचौरी, टेस्टी है ना जो बड़ी वाली अच्छी लगी है जी। हाँ जी आपको अच्छी लगी कचौड़ी? कचौड़ी अच्छी लगी। कैसा लगा बर्गर आपको? बहुत टेस्टी। अच्छा पहुंच चुके हैं वापस रेलवे स्टेशन पे, तो 1:30 बज चुका है और 2 बजे हमारी ट्रेन है उदयपुर की। सो अब थोड़ा सा करते हैं अपना हुरिया ठीक और चलते हैं ट्रेन में। 2 बजे हमें मिल चुकी है ट्रेन, तो हमारी C2 क्लास है, चेयर क्लास। सो ये एक्जैक्ट वॉल्वो की तरह होती है, तो हम बैठ गए हैं अपनी सीट में और ये मेरे साथ पापा। तो हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी 10 बजे उदयपुर और फिर हम रात को रूम बुक करेंगे और फिर कल हम घूमेंगे उदयपुर। कैसा लग रहा है फिर बैठ के? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। ये किसकी मेहरबानी है? क्या हुआ? किसकी मेहरबानी? मेरी नहीं, आपके मामू की मेहरबानी। मामू की मेहरबानी। ये एनिवर्सरी का है तोहफा। हम सब ने पहन ली अपने अपने जैकेट, पापा ने, मम्मी ने, सब ने, ये इसमें सब ने पहन ली, आगे वालों ने सब ने पहन ली है। और यहाँ पे बाहर तो काफी गर्मी है लेकिन अंदर ठंड है। पहले ही है ना कौन से दिन से वो कल फोन भी आया था, एक आया था, मैं पता हूं तुम्हें बोलो। ट्रेन में हम लोगों को कोई काम नहीं है गाइस, खाने पीने के सिवाय। हम कल आए पुदीने वाला, पापड़ी वाला और अमरूद, सेब, सीताफल, जामुन का सब कुछ काटा और खा लिया। मजा कर रहे हैं पूरे, खत्म हो गया। सो गाइस रात के बज चुके हैं 9:30 और अब हम पहुंच चुके हैं उदयपुर रेलवे स्टेशन। अब हम ढूंढते हैं होटल्स यहाँ पे, मामू ने पता तो किए थे कुछ। लेट्स सी देयर। फोटो हमने कर लिया गाइस, 20-20 रुपए सवारी। अब हम ऑटो रिक्शा में गए प्रॉपरली, आराम से, अच्छे से। टाइल हमने किया फाइनल, दैट इज सर्व ऋतु विलास। कितने बैग लिए थे? 2-3। हमारा हॉल है, टब्बर बैठा है मेरा पूरा। थक गए हो आप लोग? थक गए बहुत ज्यादा? हाँ जी थक गए। सो गाइस आज के दिन के लिए इतना ही, फिर हमने खाया बाहर खाना और उसके बाद हम सब इतने थक गए थे ट्रैवलिंग से कि हम लोग सब सो गए और अब आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूँगी मैं नेक्स्ट डे से। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।